आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देखिए नीचे बस 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 उसके आगे बस ज्यादा नहीं बोल पर ऐसे के आ जाओ बस आगे जाना फारूक बस कैसे लाइन से बैठ जाओ ये मुझे एक तख्ती जल सत्याग्रह की दीजिए। ये बाकी लोगों को ये दिखाओ खड़े आ जाओ इधर आ जाओ ये तो लाइन दिया है हेलो ऊपर उठाओ कुछ आप ही आगे मैं नहीं आगे नहीं भैया आप लोग तो इधर आ जाओ अरे नहीं ये आप लोग तो इधर ज्यादा डीप मत होना वो जो जवान को बस अपन इधर आ जाओ सीढ़ी पे क्या ये सब लोग सीढ़ी पे आ जाए आपकी टीम को भी देखना दीदी आप भी कर रहे हैं आप लोग इधर आ जाओ दीदी आप भी आ जाओ ना इधर महिलाओं के साथ आओ इधर महिलाओं के साथ बैठो आ जाओ दादी जेंट सब पीछे हो जाओ अरे इनको भी ऊपर बैठाओ ना इनको एक लाइन आप एक लाइन में बैठो ना आप आगे कर रहे हैं इनको आप पीछे हो जाओ आप इधर आ जाओ जला चले जा पैदल लेके आप करिए आंदोलन आप थोड़ा सा इधर आ जाइए मेरे को आपकी ही चिंता है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप आगे आइए मेरे बैग आ गए हैं इनसे बात करा दूंगा मैं ई है इसलिए सक्षम है वो मुझे सरकार की तरफ से भी जवाब चाहिए अरे सरकार के ही नुमाइंदे हैं तो बाहर से थोड़ी आए आपको परिचय देंगे आप अब आप थोड़ा सा इधर आ जाइए फिर अपन बात करेंगे देखिए मैं बाहर नहीं आऊंगी नूरी जी मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ आप थोड़ा सा इधर आइए उसके बाद ही बात करें अपन मेरा जल सत्याग्रह चल रहा है मैं बाहर कैसे आ सकती जब मैं एक बार अपना संकल्प लेके पानी में उतरी हूँ अरे तो संकल्प आपका पूरा है ना आप बात तो कर रहे हैं आप बुलाया है साथ में तो सरकार का भी तो कोई जवाब आना चाहिए यहाँ पे मंत्री भी हैं बीजेपी के विधायक भी हैं सांसद भी हैं सांसद से भी खबर करवाई संबंधित है वो आपके सामने संबंधित है वो आपके सामने आप बात कर रहे हैं जी से मेरी बात कराई है आप उनकी क्या रणनीति है देखिए मैं आपसे पूछ रही हूँ आप लोगों ने मिट्टी का पुल बनाया आप लोगों ने बनाया मिट्टी का पुल तो ये जो 100 करोड़ रुपए 2016 में सूरत में हमने डाइवर्शन में खर्च किए थे उन 100 करोड़ का क्या हो चार तारीख से 7 तारीख जनवरी के बीच में अगर 8 तारीख तक पूरा पानी निकल रहा था आप पत्रकार लोग भी देख सकते हैं हम इतने एडवांस जिंदगी जी रहे हैं हम मिट्टी के पुल से क्या पानी को रोक सकते हैं अगर मिट्टी का पुल ही बनाना था तो अब तक 650 करोड़ खर्च क्यों हुए मुझे ये जवाब है और 100 करोड़ के बाद प्लान डाइवर्शन क्यों नहीं हुआ मुझे इस बात का जवाब है और मुझे ठोस रणनीति चाहिए जो कि सरकार की तरफ से मुझे सांसद बात करें या यहाँ के मंत्री बात करें और आप मुझे ये बताएंगे कि 100 करोड़ कहाँ खर्च हुए 100 करोड़ कहाँ खर्च हुए मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि ये जो जल है ये आप में ज्ञापन नहीं है मेरे पास ये जल वो जल है जिसको ऑनशन के लिए भी नहीं हो गया है रह गया है ये क्या है मतलब प्रदूषण बोर्ड क्या कह रहा है मुझे आप बताएंगे रिपोर्ट आपके पास रिपोर्ट है मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड की ये जहरीला हो चुका है मैं जहरीले पानी में खड़ी
और इसका धार्मिक महत्व भी, पानी का कोई धर्म नहीं होता लेकिन महत्व तो धार्मिक है ना। उसके बाद 100 करोड़ का मैं जवाब लेना चाहती हूँ। ये मैं इतनी ठंड में शायद ही कोई हिम्मत करेगा कि 2 घंटे से पानी में 10 बजे से बैठी हुई, और अगर मेरी स्थिति बिगड़ रही है इसकी जवाबदारी किसकी होगी? मुझे यहाँ के मंत्री और सांसद से जवाब चाहिए, और मुझे आपसे ये चाहिए कि 100 करोड़ कहाँ गए और क्या योजना है आप बताइए ना, 100 करोड़ कहाँ गए? तो उसके बाद वो सक्सेस नहीं हुई, बस यस के लिए डाली गई थी, उसके बाद पानी मिलने दे सकते हैं। धार्मिक महत्व खत्म हो गया। ये तो जब तक सृष्टि है, अगर अमृत की बूंदे है तो जब तक सृष्टि तब तक शिप्रा है। सिर्फ यस के लिए आप टेम्परेरी काम करेंगे। मुझे आप यहाँ के जो मंत्री हैं सरकार की क्या किस तरीके से क्या जवाब है वो मुझे जवाब चाहिए, और मुझे लिखित में जवाब चाहिए। 100 करोड़ का कैसे क्या वो वापस कैसे हो, मुझे जवाब चाहिए, वरना मेरा आंदोलन जारी रहे। आपके पास कोई जवाब नहीं, भ्रष्टाचार का क्या जवाब देंगे आप लोग? 650 करोड़ खर्च हो गए, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। लगा दे लगाते नूरी खान जिंदाबाद, नूरी खान जिंदाबाद, नूरी खान जिंदाबाद। साधु संतों की नहीं सुन रहे, उज्जैन दूसरे स्टेट में आपने देखा है जहाँ बाढ़ आती है, फ्लड होता है, 100 करोड़ में तो पूरा एक गांव जो होता है ना उसकी बाउंड्री बन जाती है फ्लड प्रोटेक्शन के लिए, या शिप्रा के लिए गंदे नालों का डाइवर्शन करना था, इसे हम मोक्षदायी नहीं कहते हैं। और गंदे नाले मतलब मल और मूत्र इसमें मिल रहा है, किस तरीके से ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उज्जैन के हर शहरवासी की जिम्मेदारी है। मैम आ जाइए आप। नहीं मेरा जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा जी मैं नहीं आ सकती, जवाब ही नहीं इनके पास। मैम एसडीएम सर भी आ गए हैं और डब्ल्यूआरडी साहब आए हैं। मैं सबको धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ, लेकिन सबकी अस्लिम साहब की भी जिम्मेदारी है कि शिप्रा के साथ गलत हो रहा है, और जो संबंधित अधिकारी आए उनके पास जवाब नहीं है। ये जवाब कैसे देंगे? मिट्टी के पुल बना रहे हैं और ये खान डाइवर्शन में 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, ये लेटेस्ट भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मुझे मोहन यादव जी से बात करवा दीजिए, अनिल फिरोजिया जी से बात करवाइए, शिवराज सिंह चौहान जी क्या कह रहे हैं, मुझे जवाब चाहिए। अभी आप ज्ञापन दे दीजिए, उस पे अपन काम कर लेंगे। मैं कितने ज्ञापन दूंगी, ये शिप्रा जल्द ही ज्ञापन में ले लीजिए, ये पानी जांच करिए इसकी, और उसके बाद शर्म महसूस करिए, धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप आ जाइए, बाहर तो आइए। मैं नहीं आऊंगी बाहर, आ जाइए। मुझे क्योंकि जवाब ही नहीं मिला, क्या मैं इतनी ठंड के अंदर जो पानी को छू नहीं सकता इंसान, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, औरत हूँ मैं, तीन घंटे मुझे भी ठंड लगती है। ये राजनीति की संत नहीं है, ये शिप्रा के लिए दर्द है। बिल्कुल पास में मत जाओ, आ जाओ अपन देखते हैं, बाहर तो आइए। आप नहीं आऊंगी बात जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा। जवाब नहीं अधिकारियों के पास, ये खुद भ्रष्टाचारी है, ये क्या जवाब देंगे? मिट्टी का पुल बना रहे, गंदे नाले उसमें मिल रहे। इसके पहले मैंने, ये मेरा पहला आंदोलन नहीं है, मैंने भूख हड़ताल की 72 घंटे की, मैंने शिप्रा के बीच में जाके धरना दिया, हर बार झूठा आश्वासन दिया। मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, ठोस रणनीति लिखित में चाहिए, क्या योजना है लिखित में चाहिए। और सांसद है, अगर आज आप मुझे जेल भी ले जाएंगे ना मैडम, मेरा आंदोलन जारी रहेगा। मैंने इसमें जा सकते अगर के बाद पूछ सकते हैं, मैंने अन्न का दाना नहीं लिया, पानी की बूंद नहीं ली है, मेरा सत्याग्रह जारी रहेगा। हर चीज के लिए टाइम तो लगेगा ना, ये मैं 7 साल से आंदोलन कर रही हूँ, ये मेरा 7वां साल है, ये मेरा 7वां साल है आंदोलन। मुझे, मैं जिस मिशन से बैठी हूँ, मुझे मोहन यादव जी से बात करा दो, अनिल फिरोजिया से करा दो, मुझे शिवराज सिंह चौहान जी का जवाब चाहिए। सरकार की तरफ से वो क्या बता पा रहे हैं? 100 करोड़ में कच्चा पुल बना रहे, मिट्टी का पुल, बच्चे है क्या? बच्चों को झुंझुना पकड़ा रहे, शिप्रा को तो छोड़ो कम से कम। इतना भ्रष्टाचार, 650 करोड़ खर्च होने के बाद जब
जबरदस्ती मेरी गिरफ्तारी मत कीजिएगा, मैं बोल रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो जवाबदारी आपकी, जबरदस्ती गिरफ्तारी मत कीजिएगा, मैं बोल रही हूँ। थोड़ा पीछे आइए दीदी, थोड़ा पीछे रहो। अरे 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 भोकर तुम्हें आगे लेके आराम से, आराम से, यही आराम से लेके जाओ। कपड़ा डालो, कपड़ा पहले बिठाओ, उनको बिठाओ पहले। अरे अरे यार, हटो यार, वो दीदी हटो, दो मिनट ये साल यहां से भी शादी ना। अरे इतने सारे हटो, ये मास्क हटाओ, मास्क हटाओ भी। अरे बचाओ, तो एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी यार। एम्बुलेंस बुलाओ, नंबर भाई पीछे तो कोई अपना, बाकी पीछे आइए, बाकी सब लोग पीछे हो जाइए। अरे एम्बुलेंस बुलाओ, बुला लिया क्या, हम बना कर रहे हैं और सब बन जाएगा। अरे एम्बुलेंस तो बुला लो, गाड़ी मौका है। जब महिला ने क्षिप्रा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए यहाँ पर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है, इसी रामघाट के किनारे साधु संतों ने भी यहाँ पर आंदोलन किया था, उन्होंने भी अपनी मांग रखी थी, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, इसी की वजह से नूरी खान पानी में उतरी है। क्या मांग है आपकी बेसिक? देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। 2004 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 2016 खान डाइवर्शन के नाम पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए, नर्मदा शिप्रा लिंक योजना और शिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए 500 करोड़ खर्च किए गए, 650 करोड़ का घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। ये सरकार खुद को हिंदुवादी कहती है। शिप्रा महज एक नदी नहीं बल्कि पौराणिक और धार्मिक रूप से मोक्षदायिनी नदी है। तो जो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं वो जहरीली और प्रदूषित हो चुकी है। 16 गंदे नालों का जल शिप्रा में मिल रहा है, जल सत्याग्रह शुरू किया है, अंतिम सांस तक डिगी रहूंगी, अड़ी रहूंगी। और शिप्रा की ये लड़ाई, क्योंकि शिप्रा किसी जाति या धर्म की नहीं, पानी पिलाती है, हिंदू को भी पिलाती है, मुसलमान को भी पिलाती है, इसके लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रहूंगी। क्या मांगे आपकी, क्या होना चाहिए? शिप्रा नदी शुद्धिकरण को लेकर तो आंदोलन चल रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, क्या मांगे आप? देखिए, ये कहते हैं कि ठोस रणनीति बनाएंगे, 650 खर्च किए क्या वो करोड़ खर्च किए क्या वो ठोस रणनीति नहीं थी? पहली बात ये है कि जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्हें जेल के पीछे होना चाहिए, मेरी पहली मांग। और तुरंत निराकरण निकाला जाए कि खान का डाइवर्शन हो सके और जो 16 गंदे नाले उनका डाइवर्शन हो सके, क्योंकि मलमूत्र मिल रहा है,
मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट है कि इस पानी को डी कैटेगरी में रखा है, यानी कि ये जहरीला और प्रदूषित हो चुका है। पीना तो दूर की बात, नहाने के लिए भी खतरनाक है। तो इसके लिए जब तक मुझे माकूल जवाब नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो 13 महीने कांग्रेस की भी नहीं थी, कांग्रेस ने भी हर बार चुनावी मुद्दा इसे बनाया है, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या हुआ कांग्रेस के कार्यकाल? देखिए 13 महीने में तो रणनीति ही बन पाती है, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। ये जो 650 करोड़ खर्च हुए हैं, ये पिछले 20 सालों में खर्च हुए हैं, जिसमें 18 साल किस कौन था सरकार में, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसी सरकार जो खुद को हिंदूवादी कहती है लेकिन साधुओं की भी बात नहीं सुनती है। कांग्रेस ने 300 करोड़ रुपए महाकाल उत्थान के लिए भी दिए हैं, कांग्रेस ने क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए पूरी कोशिशें की, लेकिन इस सरकार ने विधायक खरीद के सरकार ही गिरा दी और शिप्रा भी शुद्ध नहीं होता। बताइए आपके, आप मुस्लिम महिला है, मुस्लिम समाज का तो कोई स्नान नहीं होता यहाँ पे, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कई साधु संत इस बात का भी विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमें किसी कांग्रेस नेत्री के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए जब नदी बहती है तो अपना पानी पिलाने से पहले ये नहीं पूछती कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तो उस नदी की लड़ाई लड़ने के लिए मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ ये फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मेरा धर्म भी यही कहता है कि हमारे शहर की नदियों को पाकीजा और पवित्र बनाने के लिए हमें जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। मैं अपने धर्म का पालन भी कर रही हूँ और मैं ऐसे लोगों से नहीं पूछूंगी जो खुद धार्मिक जहर फैलाने का काम करते हैं। नदी भी धर्म नहीं पूछती, मैं भी लड़ूंगी बगैर किसी धर्म के। जात पात ना पूछे कोई, जो हरे भजे हरी का होए। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज, उज्जैन। बटन दो आपको। मैडम आज जल सत्याग्रह आंदोलन पर आप निकली हो, क्या है मकसद आपका? देखिए पिछले 20 सालों में शिप्रा शुद्धिकरण के नाम पर 650 करोड़ की राशि खर्च की गई है। 2004 में नदी संरक्षण के अनुसार 6 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। 2016 के सिंहस्थ में खान डाइवर्शन के नाम पर 99 करोड़ की राशि खर्च की गई है। और शिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए नर्मदा शिप्रा लिंक योजना के तहत 500 करोड़ की राशि खर्च की गई, उसके बाद भी शिप्रा शुद्ध नहीं हो पाई है। आज साधु संतों की गुहार भी सरकार नहीं सुन रही है। इसके पूर्व में भी मैं शिप्रा के कई आंदोलन कर चुकी हूँ और प्रशासन के इस आश्वासन से उन आंदोलनों को खत्म किया था कि शिप्रा का उद्धार होगा। शिप्रा मोक्षदायिनी है, जीवनदायिनी है। ये सरकार जो खुद को हिंदूवादी कहती है, ये सरकार जनता के साथ और उन लोगों के साथ जो मोक्षदायिनी शिप्रा में डुबकी लगाते हैं, उनके साथ अन्याय कर रही है, विश्वासघात कर रही है। मेरी पहली मांग है कि ये जो 600 करोड़ का भ्रष्टाचार शिप्रा शुद्धिकरण के नाम पर हुआ है और कौन अधिकारी सम्मिलित है वो बताया जाए। दूसरा, खान डाइवर्शन पे जब 100 करोड़ खर्च किए गए, उसके बाद भी खान का गंदा नाला माप शिप्रा के पवित्र आंचल को अपवित्र कैसे कर रहा है? जब नदी बहती है तो धर्म और जाति नहीं पूछती है, सबको पानी देती है, सबको जीवन देती है। और आज मैं इसी तर्ज पर जल सत्याग्रह की शुरुआत कर रही हूँ। 4 फीट पानी में उतरूंगी और जब तक मुझे सरकार की तरफ से माकूल जवाब नहीं मिल जाता है, मेरा ये जल सत्याग्रह जारी रहेगा। लंबी हो गई।